आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है जो कि चैप्टर 13 का है, मतलब पुरानी बुक में चैप्टर 13 होगा, न्यू बुक में आपका चैप्टर नंबर 11 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके भी मतलब इस चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस आने के काफी चांस होते हैं, तो मैं कुछ एक्सटर्नल क्वेश्चंस करवा रहा हूं कि ये मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आपको दिखे, तो ये जरूर क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन हमारे सामने में, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय, बोला यदि किसी स्फीयर का अगर रेडियस में 10% इंक्रीज कर दिया जाए तो उसके वॉल्यूम में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको एमसीक्यू में यहाँ डाला है, बट इस क्वेश्चन को तीन नंबर में भी डाल सकता है, थोड़ा लॉन्ग में डाल सकता है, तीन नंबर में भी डाल सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बट आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखते हैं, यहाँ पे स्फीयर है, यहाँ पे इसका रेडियस अभी कुछ होगा एक्स मान लिया मैंने, अब बोला है कि अब इसके रेडियस में 10% इंक्रीज कर दिया है, अब इसका रेडियस में 10% इंक्रीज कर दिया है, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, मतलब अब जो रेडियस है इसका 10% इंक्रीज, तो जो पहले था x प्लस में x का 10%, 10% का वैल्यू क्या होता है 10/100, ठीक है 10/100, क्योंकि 1% का मतलब 1/100, तो 10% का मतलब 10/100, अभी 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पे 10 हो जाएगा, 1 की टेबल में 10, 10 टाइम्स में आएगा तो 10x हो जाएगा, प्लस में 10 की टेबल में 10, 1 टाइम्स में, तो x बन जाए x, अब यहां पे कितना हो जाएगा 11x/10, ये आपका न्यू रेडियस, मतलब जो 10% इंक्रीज होने के बाद, प्लस डिक्रीज बोला तो यहां माइनस करते, क्वेश्चन इंक्रीज या डिक्रीज करके दे सकता है, जैसे स्फीयर पे है तो क्यूब पे भी हो सकता है, ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे बोला कि इतना इंक्रीज हुआ है तो इसलिए मैंने प्लस किया, अगर क्वेश्चन में डिक्रीज बोले तो यहां पे माइनस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे रेडियस अब हो गया 11x/10, तो बोला इसके वॉल्यूम में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो आपका एक फॉर्मूला इंक्रीज परसेंट का, तो इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला होता है डिफरेंस अपॉन में लेस वैल्यू इनटू में 100। मैं यहां पे डिक्रीज परसेंट का भी लिख देता हूं, अगर क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को डिक्रीज परसेंट, यहां लेस वैल्यू छोटी वैल्यू, अभी बताऊंगा कैसे पुट अप करना है, ऐसी डिक्रीज परसेंट का भी फॉर्मूला होता है डिफरेंस अपॉन में मोर वैल्यू इनटू में 100, तो क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, तो मैंने इसीलिए दोनों का फॉर्मूला बता दिया। तो यहां पे हमें बोला गया है कि कितना परसेंट इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो हमें वॉल्यूम दोनों का निकालना होगा, तो मैंने V1 निकाला, ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर का मैंने निकाला 4/3 पाई आर क्यूब, ये R1 है, 4/3 पाई, R1 हमारा x है तो x का क्यूब, तो मतलब यहां पे क्या हो गया 4/3 पाई x क्यूब, ठीक। अब इस केस में इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसमें भी फॉर्मूला तो 4/3 पाई आर क्यूब ही लगेगा क्योंकि स्फीयर है, तो 4/3 पाई और यहां पे R2 आ जाएगा क्योंकि रेडियस दूसरा इसका R2 हमने माना, तो 4/3 पाई, R2 की वैल्यू हमारा क्या 11x/10 का होल क्यूब, तो यहां पे 4/3 पाई इनटू में 11 का क्यूब जो होता है 1331 होता है, 1331 अपॉन में 10 का क्यूब होता है 1000, 10 का स्क्वायर 100, 10 का क्यूब 1000, और यहां पे क्या आ जाएगा x क्यूब, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 4 1 4 4 2 8 4 5 20 250, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1331 पाई x क्यूब अपॉन में 253 से कितना हो जाएगा 750, ये आपका न्यू स्फीयर की जो वॉल्यूम आया है ये आया। अब हमने वॉल्यूम निकाल लिया, अब क्वेश्चन में बोला इंक्रीज कितना हुआ है, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ये निकालना है, तो इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया डिफरेंस अपॉन में लेस वैल्यू इनटू 100, तो इस दोनों का आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो डिफरेंस अगर आपको निकालना है, डिफरेंस मतलब अंतर, ठीक है, अंतर निकालने का होगा फॉर्मूला, मोर वैल्यू में से लेस वैल्यू को क्या करेंगे माइनस, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्मॉल वैल्यू है
और ये मोर वैल्यू अधिक वाला वैल्यू क्योंकि इंक्रीज हुआ होगा रेडियस तो इसके वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ तो मोर वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1331 पाई एक्स क्यूब अपॉन में 750 माइनस लेस वैल्यू क्या हमारा 4 पाई एक्स क्यूब अपॉन में 3 एलसीएम लेंगे यहां पे कितना हो जाएगा 750 के टेबल में 750 वन टाइम्स में आएगा तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 पाई एक्स क्यूब माइनस 3 के टेबल में 750 कितने बार में आएगा तो 250 टाइम्स में आएगा और 250 4 जाए कितना हो जाएगा 1000 तो 1000 पाई एक्स क्यूब अब इसको माइनस करेंगे तो 1331 पाई एक्स क्यूब में से 1000 पाई एक्स क्यूब माइनस करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा 331 पाई एक्स क्यूब अपॉन में 750 ये हमारा क्या निकला डिफरेंस निकला है अब यहां पे आपको क्या करना है इंक्रीज परसेंट निकालना है तो इंक्रीज परसेंट का मैंने अभी फॉर्मूला होता है डिफरेंस अपॉन में लेस वैल्यू यहां इंक्रीज है तो यहां लेस वैल्यू लेंगे अगर यहां डिक्रीज है तो मोर वैल्यू लेंगे इनटू में 100 चलो डिफरेंस कितने का है डिफरेंस हमारा कितना है ये 331 पाई एक्स क्यूब अपॉन में 750 ये आ गया डिफरेंस लेस वैल्यू अब इस दोनों में छोटी वैल्यू क्या है तो ये वाला होगा हमारा लेस वैल्यू तो लेस वैल्यू क्या है यहां पे 4/3 पाई एक्स क्यूब ठीक है और इनटू में क्या है 100 अब ध्यान से देखिए कैलकुलेशन काफी इजी है पाई एक्स क्यूब से तो पाई एक्स क्यूब पहले पहले कैंसिल हो गया वो दिक्कत वाली बात नहीं और यहां पे 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 250 टाइम्स में है तो यहां पे कितना हो गया 331 इनटू में 100 अपॉन में 254 जा कितना हो जाएगा 254 जा 25 4 जा 100 और 1 0 लगा 1000 अब यहां पे 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल तो यहां पे 331 बाय 10% इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33.1% तो ऑप्शन आपका कौन सा सी यहां पे बिल्कुल सही होगा तो 33.1% इसके वॉल्यूम में इंक्रीज होगा कब अगर रेडियस अगर 10% इंक्रीज हो जाता है स्फीयर का तब तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फिर से मैं बोल रहा हूं इसी क्वेश्चन को चेंज कर सकता है या इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर लेकिन फॉर्मेट पूरा यही रहेगा फॉर्मूला पूरा आपके सामने में लिख दिया काफी इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन ठीक है ये क्वेश्चन मैंने बोला कि 3 नंबर में भी आ सकता है और ये 1 नंबर तो एमसीक्यू में तो ये मैं इतना अभी जो मैंने बताया ये तो काफी लार्ज प्रोसेस हो जाएगा है ना 1 नंबर का क्वेश्चन इतना टाइम कंज्यूम हो रहा है बट हां 3 नंबर में है तो पूरा जैसे मैंने बताया ना तो ऐसे ही करना है आपको ठीक बट एमसीक्यू में आए तो इसको कैसे करना है तो जल्दी से देखते हैं जैसे यहां पे स्फीयर था यहां पे जिसका मैंने रेडियस जो है यहां पे और दूसरा यहां पे स्फीयर है इसका भी रेडियस हमें r2 माना है ठीक है अब जैसे यहां पे बोला कि इसका रेडियस 10% इंक्रीज हो गया तो 10% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए 1/10 होता है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है अब क्या हो गया रेडियस यहां पे 1 इंक्रीज हुआ है तो r1 हम यहां पे अज्यूम करेंगे 10 और r2 जो होगा ना हमारा हम यहां पे अज्यूम करेंगे 11 क्यों 1 इंक्रीज हो गया अगर यहां पे डिक्रीज होता तो 10 माइनस 1 9 हो जाता तो यहां पे क्या हो गया वॉल्यूम हमें निकालना है तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है ना वॉल्यूम तो मैंने यहां पे v2 और यहां पे v1 तो 4/3 पाई r क्यूब दोनों में लगेगा पाई r बट यहां पे r2 हो जाएगा और यहां पे 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा यहां पे r 4/3 से पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा r2 की वैल्यू यहां पे कितना 11 और यहां पे r1 की वैल्यू कितना है यहां पे 10 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा और 10 का क्यूब 1000 हो गया मतलब पहले वॉल्यूम 1000 था अब कितना हो गया 1331 तो कितना इंक्रीज हुआ तो डिफरेंस यहां पे कितना है डिफरेंस यहां पे 331 है फिर इंक्रीज परसेंट का फार्मूला डिफरेंस अपॉन में लेस वैल्यू इनटू में 100 तो डिफरेंस कितने का यहां पे 331 लेस वैल्यू यहां पे छोटी वैल्यू कौन 1000 इनटू में क्या करेंगे 100 कर देंगे तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा 331 बाय 10% आंसर कितना 33.1% ये काफी इजी रहेगा जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मेंसुरेशन से मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से
इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ एच सी एंड वी रिस्पेक्ट वी, मतलब एच सी और वी है, एच मतलब यहाँ हाइट है और सी मतलब कर्व सरफेस एरिया है और वी का मतलब वॉल्यूम है, और ये सब किसके हैं, एच सी वी ये कोण के हैं, ठीक है, ये आपको ओवरऑल दिमाग में होना चाहिए कि एच सी वी किसको रिप्रेजेंट, कोण के यहाँ पे, और एच मतलब हाइट, सी मतलब कर्व सरफेस एरिया, वी मतलब वॉल्यूम, और किसका फॉर्मूला लगेगा, ओनली कोण का। तो बोला प्रूफ करके दिखाओ, 3 पाई बी एच क्यूब माइनस में सी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर ना जीरो होता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। तो यहाँ पे कोण है आपका, पता है आपको कोण, ठीक है। अब यहाँ पे ये हाइट होता है, ये रेडियस होता है और ये स्लांट हाइट होता है। यहाँ रिलेशन याद होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे सी एस ए ऑफ कोण, सी एस ए ऑफ कोण जो होगा वो क्या होता है, पाई आर एल होता है, और वॉल्यूम ऑफ कोण, क्योंकि ये सब यूज होने वाला है ना, इसलिए मैं पहले ही लिख लेता हूँ, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोण की वॉल्यूम होता है। अब हम LHS लेते हैं, LHS हमें क्या है, 3 पाई वी एच क्यू माइनस में सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, हमें जीरो आना चाहिए। तो 3 पाई वी, वी यहां पे क्या है, वॉल्यूम, वी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉल्यूम, सी एस ए ऑफ कोण सी को, तो यहां पे वॉल्यूम की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इनटू में ये एच क्यूब है, ऐसे ही रहेगा, माइनस सी स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या, पाई आर एल और स्क्वायर इनटू में एच स्क्वायर प्लस 9 वी, वी क्या है यहां पे, वी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम यहां पे क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का स्क्वायर। तो यहां 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई इनटू पाई, पाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर आर स्क्वायर हो जाएगा और एच इनटू एच क्यूब, तो एच का वर्ग 4 माइनस में, ये तीनों पे स्क्वायर है, तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा और ये एल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में एच क्यूब प्लस में 9 इनटू में 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, फिर पाई का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर है तो आर का 4, अंदर बाहर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे तो पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर और एच का पावर 4 माइनस में पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर, एच स्क्वायर इनटू में, ये एच स्क्वायर में पहले लिख दिया, और एल स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में, 9 से 9 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे पाई स्क्वायर आर का पावर 4 एच स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे पाई स्क्वायर आर का पावर, सॉरी आर स्क्वायर एच का पावर 4, अब माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो पाई स्क्वायर और बेस से में तो पावर जुड़ जाएगा, तो आर का पावर 4 हो जाएगा और यहाँ एच स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच का पावर 4 प्लस में एज इट इज पाई स्क्वायर आर का 4 और यहां एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच का 4 का है, एक यहां पे है और एक यहां पे, सेम सेम है बट ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम यहां पे ये माइनस है और ये चीज प्लस है, तो ये आपका कैंसिल, तो हो गया प्रूफ जीरो। तो काफी इजी भी है, बस फॉर्मूलाज लर्न होना चाहिए और काफी इजी वे में प्रूफ हो गया कि जीरो है। ऐसे ही क्वेश्चन अभी मैंने दो एक्सटर्नल क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, और भी चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे मून के क्वेश्चंस दो होंगे, ठीक है, ये दो क्वेश्चंस जो मून वाले दोनों क्वेश्चंस होंगे वो जरूर कर लेना, एक आपका वॉल्यूम पे होगा और एक सरफेस एरिया के बेस्ड पे होगा, ठीक है, काफी इजी है क्वेश्चन, मून और अर्थ के बीच जो आपको रिलेशन दिया है, देन उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया। एक और क्वेश्चन कि 27 स्फेयर्स को एक पिघला के मेल्ट करके एक न्यू स्फेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बोले न्यू स्फेयर का रेडियस फाइंड करो, फिर उनके सरफेस एरिया का रेशियो भी फाइंड करो, ये क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो ये सारी चीजें कर लेना। और मैंने कल एक और वीडियो बनाया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके ही होगा, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा, वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और थ्योरम एक 9.7 डाला था, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, काफी ईजी पेपर आएगा तो अच्छे से करना, और सभी स्टूडेंट्स बताइएगा कि आफ्टर एग्जाम की आपका कैसा पेपर गया, क्वेश्चंस ऑफ लेवल क्या था, उम्मीद है और भगवान से दुआ करेंगे काफी आपका इजी आई पेपर और आप 100% कर गए।